अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरह की आपको पता है कि मेरा एक कॉकटेल का बच्चा मैं फ्री फ्लाई के लिए उड़ाना था, वो मैं बाइट लेके आया हूँ और मेरे हाथ से निकला है और इस तरफ से गया है और पीछे की तरफ फिर मैं भाग के इस छत के ऊपर गया हूँ। तो मैंने इस छत के ऊपर जाके फटाफट उसे आवाज़ें दी हैं, तो उसने 2-3 चक्कर लगाए हैं। 2-3 चक्कर लगाने के बाद उससे उड़ा नहीं गया और ना दूसरे नंबर पे उसके पास कोई, मतलब मैंने उसको अभी दिखाया था हमारा कौन सा एरिया, जिसकी वजह से वो नीचे डाउन होके चला गया, तो वो खो गया। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मेरे जो कॉकटेल हैं वो भी माशाल्लाह अभी बॉक्सेस में जाना शुरू हो गए हैं, अभी भी बॉक्स में ही बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एग्स वगैरह उन्होंने अभी देने हैं। तो ये सबसे पहले कुंडी लगा लेते हैं ताकि यहाँ से बर्ड्स बाहर ना जाए। और अभी आइए आपको दिखाता हूँ हमारे कॉकटेल जो बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, तो माशाल्लाह बॉक्स के अंदर बैठना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे और एग वगैरह दे देंगे। और हमारी जो दूसरी है वो देखें प्लम का, वो भी बॉक्स के अंदर जाना शुरू हो गया। ये देखें वो बॉक्स के अंदर बैठी हुई है जाके। तो प्लम ऊपर है और बॉक्सेस अभी और भी मैंने लगाने हैं और बादल वगैरह काफ़ी आ गए हैं। और दूसरे नंबर पे ये जो पैरेट है ये मैंने वापस कर देनी है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके पीछे जो वो अंडा उसने कहा था वो अंडा नहीं है, वो गिल्टी है, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं रखूँगा। और दूसरे नंबर पर हमारा कॉकटेल का बच्चा ये बैठा हुआ है, तो ये भी माशाल्लाह मेरी वॉइस के ऊपर आता है। अगर मैं सुबह सुबह आऊँ नीचे से तो ये आके मतलब दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ आ जाता है और फ्लाई भी करता है, मेरे हैंड के ऊपर भी आके बैठ जाता है इसको मैं अगर आवाज़ दूँ तो। अभी माशाल्लाह मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखाता हूँ हमारा कॉकटेल जो है, वो मुझे लगता है जिस तरह उसने एग दिया हुआ है, पर इतना नहीं पता चल रहा कि एग है या वैसे ही डाल रही है। तो ये दोनों हमारे कॉमन वाइट के जो हैं बर्ड्स अंदर बैठे हुए हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पहली दफ़ा ब्रीड करेंगे, अंडे देंगे और दूसरे नंबर पे एग वगैरह देंगे। और हमारा जो ग्रीन जो मेल है वो ये है, ये देखें माशाल्लाह अभी ये बॉक्सेस वगैरह लग गए हैं, जिसकी वजह से जो ब्रीडिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर हम कॉकटेल की 2 फीमेल और लाएँगे क्योंकि अभी जो है ना फीमेल कम है और मेल ज़्यादा है। जिस तरह वो देखें, एक वो फीमेल बैठी हुई है आपके सामने और बाकी सारे जो हैं मेल हैं, ये भी मेल है, वो भी मेल है और वो भी मेल है। तो अभी इंशाल्लाह ताला चलते हैं। और दूसरे नंबर पे बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, आपको दिखाता हूँ। और हमारा मिशन ये है कि हमने ये सारा पेंट यहाँ करना है, मास्टर केज को पेंट करना है और दूसरे नंबर पे घर का भी पेंट हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आज उस बंदे का आखिरी दिन है, उसने मुकम्मल करके चला जाना। और मैंने ये ममटी जो है वो पेंट करवा दी थी ताकि ये उसने ही करनी थी क्योंकि ये थोड़ी सी जो है ना रफ़ हुई थी, जिसकी वजह से ये पेंट ख़राब हुआ था। और अभी यहाँ सारा मैं पेंट खुद ही कर दूंगा क्योंकि वो रूल मेरे पास पड़ा हुआ, उसके साथ मैं खुद ही पेंट सारा कर दूंगा। इस साइड से भी पेंट हो गई थी, ये थोड़ी ख़राब हुई थी और मुझे बहुत अफसोस है, इतनी मुश्किल से मैंने पाला था वो बच्चा, तो जो मेरे हाथ से निकल गया माशाल्लाह 2-3 चक्कर उसने लगाए। मैं वीडियो स्टार्टर अटैच करूँगा जो मेरे हाथ से निकला है। तो बाकी अभी माशाल्लाह बॉक्सेस वगैरह में जाना शुरू हो गए हैं बच्चे वगैरह, अभी इनको भी नीचे लेके जाता हूँ। मौसम आज ठीक है, इतनी मतलब धूप भी, ये देखें बादल वगैरह आए हुए हैं, इनको नीचे लेके जाता हूँ। उनको तूड़ी दाना मैंने डाला हुआ था, तकरीबन इन्होंने ख़त्म कर लिया और काफ़ी अच्छा साइज़ हुआ है इनका जो है ना हमारी बकरियों का भी। और इंशाल्लाह ताला इनको सारा इसको रंग करता हूँ और यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये चलते हैं, सबसे पहले रंग बनाते हैं थोड़ा सा, फिर ट्राई करते हैं कि हमसे होता है कि नहीं।
दोस्तों कुछ पेंट बचा था तो मैंने कहा ऊपर अपने केज के अंदर कर देते हैं और बाकी सारा ये यहाँ पर वाइट कलर का कर देते हैं। तो अभी मैं स्टिक लेके आया हूँ और अंदर मैं जाने लगा और अंदर सारा जो है ना पिंक पिंक हो जाएगा सारा। तो अभी देखते हैं क्या बनता है, किस तरह का कलर निकलता है। फाइनली दोस्तों कलर हो गया, पसीनों पसीन में हो गया हूँ और दूसरे नंबर पे कलर भी हमारा ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वो सामने दीवार नहीं हो पाई। और मुझे लगा था काफ़ी इजी है, पर ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अभी ये सारा होना था। तो मेरा इरादा रह गया जो वो न्यू बाल्टी है वो बंद है, वो बंद ही रहे। अभी नीचे चलते हैं और नहाते हैं और काम भी आज ख़त्म हो गया, वो चला गया बंदा जो काम लगा हुआ था। तो अभी नीचे चलते हैं, नहाते हैं और उसका कुछ जुगाड़ करते हैं क्योंकि वो मेरी समझ में नहीं आ रही वो पैसे ज़ाया किए हुए हैं मैंने। तो बाकी चलते हैं नीचे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग एंड होता है। आज काम भी बहुत किया और काम है भी बहुत था और ये हमारी फाइनल लुक ये निकल रही है फ्रंट की। और यहाँ पर भी जो कुछ रंग वगैरह बचा था वो मैंने कर दिया। और अभी हमारे मुर्गियाँ भी अपनी जगह पर जा रहे हैं, चांद भी आज निकला हुआ है और ये भी बाहर से आ गए हैं। और अभी दीजिए इजाज़त होकर नमाज़ पढ़ते हैं, जाके नमाज अज़ानें हो रही हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके अल्लाह हाफिज़।